लेट अस स्टार्ट जी, इन द नेम ऑफ अल्लाह हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज लेक्चर है ऑनलाइन सीएसएस पीएमएस इंग्लिश क्लासेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के ऊपर हमारा आज का लेक्चर है जी। जहाँ तक मेरा नाम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, प्रोफेसर मोहम्मद नोमान फैसल, एम फिल लिंग्विस्टिक्स हूँ। मैंने पिछले दिनों एक ओरिएंटेशन थोड़ा सा अपना लेक्चर दिया भी था। I have also gained diploma in TEFL, teaching of English as a foreign language, and yes, I am also a law graduate, LLB की डिग्री भी है। बस लॉ को जानने का शौक था तो वो साथ एक्स्ट्रा ऐड कर ली, और हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट हूँ PGCE उकाड़ा में। स्टेप आपको पता है कि रिनाउंड इंस्टीट्यूट है फॉर एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन। आई एम इट्स पायनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ स्टेप एंड आई हैव आल्सो टॉट इन सो मेनी अदर एंट्रेंस टेस्ट इंस्टीट्यूट्स। सो लेट अस स्टार्ट जी, हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट देते हैं। तो हमारा आज के ये 6 कंटेंट्स होंगे। अगर आपने किसी ने भी क्वेश्चन करना हो तो अपना माइक अनम्यूट जब करेंगे तो मुझे आ जाएगा क्वेश्चन, और आप अपने क्वेश्चन एट द एंड भी कर सकते हैं। एट द एंड में आप लोगों के माइक म्यूट कर दूंगा इजीली, अगर ड्यूरिंग आ जाए तो यू मे आस्क। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, सबसे पहले कि इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ सीएसएस इंग्लिश, इंट्रोडक्शन टू सीएसएस, कंटेंट्स ऑफ सीएसएस पीएमएस इंग्लिश क्लासेस जी, क्योंकि सीएसएस चलो मेन टारगेट है लेकिन पीएमएस जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज है, आप किसी भी प्रोविंस में बैठे हैं इस वक्त, केपीके में है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है, या पंजाब में है, आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में है, तो आप अपने इलाके का एक जो है वो सर्विसेज का एग्जाम भी देते हो, दैट इज प्रोविंशियल बेसिकली। और सीएसएस आपको पता है फेडरल है, इसको आगे डिटेल में देखेंगे। देन हमारा आ जाएगा कंटेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, कि जो मैं आपको कोर्स करवाने जा रहा हूँ उसके कंटेंट्स क्या है, सीएसएस पीएमएस के कंटेंट्स क्या है, दोनों के कंटेंट्स कंप्लीट जो सिलेबस में पढ़ाऊंगा उसका एक आउटलुक आपको दूंगा, कंटेंट्स आपको दूंगा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एंड हाउ टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, ये हमारा जो है वो टारगेट में शामिल होगा। तो आते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश में आप सबको पता है कि इंग्लिश इन ऑल एग्जाम्स एंड लेवल्स एग्जिस्ट करती है। आपने एंट्रेंस टेस्ट देना है, इंग्लिश आपके सामने है। आपने कोई भी गवर्नमेंट जॉब आई है, किसी भी तरह की, वो कस्टम्स में आई है, वो एक सिंपल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में आई है, वो सीएसएस है, वो पीएमएस है, आपको पता है इंग्लिश वहाँ एक मेन मौजूद है। आप गैट दे रहे हैं, आप नेट दे रहे हैं, सेट दे रहे हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपके सामने वो मौजूद होती है। एंड यस, सो मेनी स्टूडेंट्स आर वीक देयर ऑन दैट पाथ, और स्पेशली जब वो अपने कोई एंट्रेंस टेस्ट दे रहे होते हैं, स्पेशली दूसरे सब्जेक्ट्स के लोग जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स वगैरह के, साइंसेस के लोग, वो अक्सर इंग्लिश के बारे में वीकनेस शो कर रहे होते हैं। तो ये मेरा जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है ना, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज वीक है, जो अपनी इस इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे मेरे अपने कोलीग्स जो आर्ट्स के हैं, साइंसेस के हैं, दे से कि सर हमें भी लैंग्वेज कोर्स करवाएं, इतने सालों से आप मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को गैट की तैयारी करवा रहे हैं, नेट की करवा रहे हैं, तो हम भी अक्सर जो है एम फिल के लिए या मुख्तलिफ एग्जाम्स के लिए टेस्ट देते हैं, तो हमारा इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है ये हमें सबसे ज्यादा वीक करता है, जिसकी वजह से अक्सर हम फेल हो रहे होते हैं अपने एग्जाम्स में। तो ये सारे उन टीचर्स के लिए भी है जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के, कि आप के लिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी जा रहे हैं आपको मिल रही है, और देन ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इंग्लिश। अच्छा, आप जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर दे रहे हैं इंग्लिश, आप करंट अफेयर्स का पेपर दे रहे हैं, इट्स इंग्लिश, ठीक है जी। तो जो पेपर भी आप दे रहे हैं वो आपको इंग्लिश में ही उसका सामना करना पड़ रहा होता है, तो जो है वो सारी चीजें आपके लिए जो है वो मुश्किल का बाइस बन रही होती हैं। स्टूडेंट का क्वेश्चन आया जी सर के कोर्स, चलो मैं क्वेश्चंस जो है वो इधर रख देता हूँ, जैसे कोई अपीयर होगा मेरे पास इधर आता जाएगा। बेटा क्वेश्चंस सिलेबस जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सीएसएस पीएमएस के ऑलमोस्ट सेम है। आप सीएसएस का करते हो ना तो पीएमएस का आपका 95% सिलेबस, बेशक आप सिंध से हैं, आप केपीके से हैं, आप पंजाब से हैं, बलूचिस्तान से हैं, आजाद कश्मीर से, आपका 95% सिलेबस सेम होता है। 5% को थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट का, वो भी बिल्कुल 5%, मतलब पीएमएस में लेटर आ जाता है लेकिन सीएसएस में लेटर्स नहीं आते। अब 2016 से जब से उन्होंने सिलेबस अपडेट किया है तब से वो और तरह का सिलेबस हो गया है, तो एक वो 5% का एक आध इंग्रेडिएंट का डिफरेंस है, वरना सेम सिलेबस चलता है जी। दैट इज व्हाई CSS/PMS ही सारे लोग तैयारी करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी अपने आपके पास
इंग्लिश इन ऑल एंट्रेंस टेस्ट मौजूद होती है और मॉडर्न रिसर्च इज इन इंग्लिश. आपने कोई बुक पढ़नी है, आपने कोई रिसर्च पढ़नी है, आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, योर वोकैबुलरी शुड बी एबल्ड इनफ. एंड देन इंग्लिश अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज एंड इन दैट ग्लोबल विलेज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ दैट ग्लोबल विलेज इज इंग्लिश. मतलब आप सऊदी आ जा रहे हैं, आप इंग्लिश अगर आपको आती है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. आप जो है वो यूरोप फिर रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश आती है, इवन हॉलैंड में डच बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है आप उन सारे कंट्रीज में कम्युनिकेट कर सकते हैं. इट हैज बिकम द नेशनल लैंग्वेज ऑफ प्लेनेट अर्थ. ये इस सियारे की नेशनल लैंग्वेज बन चुकी है. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ CSS PMS इंग्लिश. तो मैं उस दिन भी बात की थी, मेरी पिछली जो वीडियो आपने देखी थी, कि इंग्लिश ऐसे ही है जो बच्चों को फेल करवाता है जी. टफेस्ट पेपर है ये CSS इंग्लिश में भी है और PMS में भी ऐसे राइटिंग का इंग्लिश आता है. एक लहदा पेपर आता है जिसमें आपने 2500 टू 3000 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होता है, 3 आवर्स में 100 मार्क्स का एक ऐसे लिखना है, और अक्सर बच्चों से सही ऐसे चूज नहीं होता, और बच्चे 97% जो बच्चे हैं उनके फेलियर की वजह ये ऐसे है जी. और आपको मजे की चीज बताऊं, ऑलमोस्ट 97% ही बच्चे फेल होते हैं CSS के एग्जाम में, और ऑलमोस्ट वो जो फेल हो रहे होते हैं CSS एग्जाम में, ऑलमोस्ट सारे के सारे इंग्लिश ऐसे में जरूर फेल हुए होते हैं. ये 40 मार्क्स इसमें से बच्चे से गेन नहीं हो रहे होते. 40 मार्क्स लेना जरूरी है जी एक इंडिविजुअल पेपर में और 50% एग्रीगेट. तो जाहिर क्यों नहीं फेल, क्यों फेल होते हैं? रीजन, आप जब लिखने बैठते हैं आपको वहां टॉपिक आता है, वो एक अनसीन टाइप का टॉपिक आता है. जब तक आपकी राइटिंग स्किल्स इनेबल्ड नहीं है आप कैसे लिखेंगे? आपकी एग्जामिनर ने देखना है, 2-3 मिस्टेक्स देखनी, उसने आपने ऐसे वो फेंकना है कि लो जी इस बच्चे का जिसको अपनी इतनी मिस्टेक्स कर रहा है, जिसको लिखना नहीं आता, उसको मैं क्या मार्क्स दूं? तो वो ऐसे आपका टेबल पड़ा होना 10 मार्क्स देके 5 मार्क्स देके, तो आपने जैसे कि दूसरी तीसरी चौथी मिस्टेक करनी है. तो इस चीज में थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो एहतियात करनी पड़ेगी कि आपका जो ऐसे वगैरह है वो किसी भी सूरत जो है उसमें मिस्टेक ना आ रही हो. अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने इंग्लिश. दो पेपर है इंग्लिश के आपके, CSS में भी PMS में भी प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर आता है, जिसमें टोटल आपकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स टेस्ट होती हैं. क्या आप, क्योंकि 20-20 मार्क्स के तो एक प्रेसी और एक कंपोजिशन का ही पेपर आ जाता है. देन फिर आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स चेक होती है, नॉलेज नहीं, स्किल्स, क्या आप अप्लाई कैसे कर पा रहे हैं. लेकिन नॉलेज और चीज है, अप्लाई करना और चीज है, और लैंग्वेज इज नॉट नॉलेज. The language is basically a skill. If I'm talking to you people in English, that is not the knowledge that I'm applying to you people. That is a skill that I'm harnessing of communicating with you people. So, jab tak aapke andar skill na na aayegi, tab tak dekhiye aap class 1 se prep se English padhte aa rahe hain, tense seekhte aa rahe hain, lekin wo aapne knowledge gain kar liya, aapko ye pata lag gaya ki ta hai, ti hai, te hai aa gaya, to present definite use karna hai, first form aani hai. But that doesn't mean कि आप उसको यूज भी कर पाएंगे. आपको जब लिखने बैठते हैं फिर मिस्टेक कर रहे होते हैं. हमारे स्टूडेंट्स 16-16 साल पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन खुद लिखने बैठते हैं तो वो जो है वो विले हुए बैठे होते हैं. उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है बच्चे कि उन लोगों के पास नॉलेज तो होता है, उनसे कुछ पूछ ले उनको पता होता है, लेकिन उनके पास स्किल अवेलेबल नहीं होती. ठीक है जी, तो दैट कोर्स इज बेसिकली CSS PMS आपको स्किल देने के लिए है, आपको सिर्फ नॉलेज देने के लिए नहीं है. तो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, ये एक छोटी सी बात करते हैं, बेसिक ऑफ एवरी सब्जेक्ट जी. आप फिजिक्स पकड़े तो बेसिक से शुरू करें. आपको जब तक बुनियादी बात नहीं पता, बिल्डिंग कैसे खड़ी करेंगे उसके ऊपर? बिल्डिंग तो गिर जाएगी जब बुनियादी कमजोर हो. इंग्लिश है तो उसकी बेसिक्स, तो मैं आपको बेसिक से शुरू करूंगा. देन इंग्लिश राइटिंग स्किल्स आपकी इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि सारे पेपर ही आपने इंग्लिश में लिखने, आप करंट अफेयर्स दे रहे हैं, जनरल नॉलेज दे रहे हैं, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश. और देन जो है हमारे पास आ जाता है ग्रामेटिकल स्किल्स. पेपर ही आपके ग्रामेटिकल स्किल्स के. फर्ज करो एक बच्चा जिसको ये नहीं पता कि असलम विद हिज चिल्ड्रन इज लिविंग हेयर लगाना है कि आर लिविंग हेयर लगाना है, तो वो तो आर लिखेगा, मिस्टेक हो जाएगी. तो असलम विद हिज चिल्ड्रन इज लिविंग हेयर आना है. बच्चा कहेगा सर असलम भी है, उसके चिल्ड्रन भी है, तो हमें आर क्यों देना है? और भाई क्योंकि ये ग्रामेटिकल जो है इशू है कि जब विद के साथ, लॉन्ग विद के साथ, अकम्पनीड बाय के साथ सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं दो, तो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब आता है. हमें असलम को देखना है, चिल्ड्रन देखने नहीं है. असल जुमला है असलम इज लिविंग हियर अलोंग विद हिज चिल्ड्रन, विद हिज चिल्ड्रन, अकम्पनीड बाय हिज चिल्ड्रन, वो बाद में असल में वो सब्जेक्ट के साथ लगा के सिर्फ स्टूडेंट्स कंफ्यूज किए होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं. और ये आप आम राइटिंग में भी ये मिस्टेक्स कर रहे होते हैं.
तो देखिए, ये ग्रामेटिकल नॉलेज आपको अप्लाई करना है, क्योंकि पेपर में आपने रूल नहीं सोच रहे हो ना, पेपर में आपने उस रूल को अप्लाई कर रहे हो ना, और अप्लाई करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता, ये फिर आपकी सिक्स सेंस ही चल रही होती है जो आपके वर्किंग है। वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट पे बहुत अच्छा काम होगा जी, और आपको इंशाल्लाह टिप्स भी दूंगा कि वोकैबुलरी इंप्रूव कैसे करते हैं। अच्छा, एक वर्ड है बेनेडिक्शन, आप में से किसी को मीनिंग आता है बेनेडिक्शन का? BENEDICTION, बेनेडिक्शन का किसी को मीनिंग आता है जी? मुझे चैट करके आप रिप्लाई कर सकते हैं, अगर माइक ऑन करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे चैट्स के मैसेजेस आए हैं, लेट मी चेक इट के बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं। कोई बेनेडिक्शन का मीनिंग बताएगा? एनी वन ऑफ यू? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, अच्छा जवाब दे रहे हैं। बेनिफिशियल वर्ड्स, देखिए आपको मैंने ये चीज सिखानी है, बेने बेनिफिट से निकला है, डिक्शन डिक्शनरी से याद करें, बेने बेनिफिट से, तो कोई भी चीज जो बेनिफिट देती है। मैं आपको ये प्रीफिक्सेस सफिक्सेस जिसको आप उर्दू में कहते हैं साहब के लाह के, इंग्लिश के सीखेंगे हम इसको एटमोलॉजी कहते हैं जी, एटमोलॉजी सीखेंगे। तो डिक्शन डिक्शनरी से, डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं, तो बेनिफिट वाले वर्ड्स दुआ को कहते हैं जी, के बेनिफिट वाले वर्ड्स दुआ ही है ना, किसी को आप दुआ देते हैं तो असल में आप उसको बेनिफिट वाले वर्ड्स बोल रहे हैं, तो फायदा देने वाले अल्फाज। इस तरह से हम वोकैबुलरी को इंप्रूव करेंगे, लफ्जों पे काम करेंगे जी इंशाल्लाह, एटमोलॉजी सीखेंगे उनकी। नेक्स्ट आते हैं इंट्रोडक्शन टू सीएसएस पे, सीएसएस सेंट्रल स्पीड सर्विसेज को कहते हैं जी। एक ब्रीफ इंट्रो दूंगा क्योंकि मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहता। FPSC जो है वो एग्जाम लेता है जी सीएसएस के, आप fpsc.gov.pk वेबसाइट है, आप उस पर जा सकते हैं, उस पर सिलेबस भी कंप्लीट पड़ा हुआ है, सिर्फ कंटेंट्स नहीं हुए, बाकी प्रेप आपने खुद करनी है। ये सीएसएस लेता है। पीएमएस आपके प्रोविंशियल मैनेजमेंट के अधारे लेते हैं, जैसे पंजाब का है तो वो पीपीएससी जो है वो ले रहा होता है एग्जाम, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। इस तरह सिंध का एसपीएससी है, केपीके का अपना है, और बलूचिस्तान का अपना है। तो पोस्टिंग बाय द फेडरल गवर्नमेंट होती है, वो पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग कर सकते हैं। 12 पेपर्स होते हैं, 1200 मार्क्स होते हैं। मुझे बच्चे अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे चैटिंग में कि सर क्या सिलेबस सेम है, तो मैं दोबारा उनको बता दूं, फिर मुझे क्वेश्चन आ गया था कि सिलेबस 95% तक सेम रहता है। अच्छा, आपके जो क्वेश्चन नहीं भी रिप्लाई होंगे वो मैं आपको ग्रुप में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको रिप्लाई करूंगा। एट द एंड में आपका नंबर दूंगा, अगर आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भी है तो उसको ऐड कर लिया जाएगा, तो वहां में जो क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाएंगे उनके रिप्लाई कर दूंगा। 6 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जी और 6 ऑप्शनल है, मतलब हर पेपर 100 मार्क्स का है। देन आते हैं एज लिमिट 21 to 30 है जी, टिल 31st December, मतलब जब भी एड आता है उस एड के बाद वो, मतलब अभी जो है आपका इस साल का जो आएगा तो 31 December तक आपकी 30, और अगर 30 दिन एक दिन भी है ना आपकी, 30 साल एक दिन भी एज है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, कुछ कंसेशंस हैं, 2 year रिलैक्सेशन है एज की गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 32 तक भी, या लॉयर प्रैक्टिसिंग जो रजिस्टर्ड लॉयर्स हैं उनको भी 2 years की जो है वो एज रिलैक्सेशन अवेलेबल होती है। एक और क्वेश्चन आया जी, बेटा क्लास टाइमिंग 7:30 हुआ करेंगी रोज, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड भी की जाएगी, जैसे इस लेक्चर की भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अगर आप कभी मिस कर देंगे किसी फैमिली फंक्शन की वजह से तो आपको वो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाया करेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं जी, तो हमारे पास मैं जरा इस चैट को साइड पे कर दूं। ओके, एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन है जी मिनिमम आप लोगों के लिए, सेकेंड डिवीजन मिनिमम है, फर्स्ट सेकंड डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन वाले, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि आप, अगर तो आपकी 14 इयर्स एजुकेशन है तो गो फॉर दी 16 फर्स्ट, आपके लिए बेटर हो जाता है। ये मेरी तरफ से एडवाइस, हम सिंसियर हैं जी, ये नहीं कि लो जी अगर बीए भी कर लिया तो आज बीए करके आप आ सकते हैं, यस लोग आते भी हैं, लेकिन 16 इयर्स से आपका होता है कि आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने हैं उनमें आपको ईज हो जाती है और आप ज्यादा अच्छा नॉलेज का अपना डिस्प्ले कर सक रहे होते हैं। तो अगर आपने बीएस कर रखा है तो वो 16 ईयर एजुकेशन ही कहलाएगी जी, और 14 ईयर एजुकेशन वाला अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो हमारे पास आ गया जी ऑप्शनल पेपर्स आर ऑफ 600 मार्क्स, 600 ही कंपलसरी है, 600 ही ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल पर थोड़ी सी बात कर रहे हैं, कंपलसरी पर भी इसके बाद करते हैं। 2 groups of 200 marks होते हैं जी, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट लाजम लेना होता है। अच्छा, जो भी आप एक सब्जेक्ट लेंगे उसके 2 papers होंगे, 100 मार्क्स के पेपर होना है जी, तो इस तरह आपके वो 2 group होंगे 200 मार्क्स वाले, एक आपको ग्रुप लाजम ले, एक सब्जेक्ट इन दोनों ग्रुप्स में से लाजम लेना है। तो 1 subject आपका जो है वो आ गया जी अगर एटलीस्ट, तो फिर 7 groups हैं 100 marks वाले, तो आपको उनके अंदर से जो है वो फिर एक एक करके कोई 4 अगर आपने उधर से एक ले लिया है
तो चार सब्जेक्ट्स आपको इनमें से, और हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट ही ले सकते हैं। देन आते हैं जी पासिंग मार्क्स 40% पर सब्जेक्ट है, 40 से नीचे है आप पर सब्जेक्ट, आप किसी भी एक सब्जेक्ट में 40% से नीचे गया फेल है, और एग्रीगेट 50% होने चाहिए, कुल मिला के आपके 50% मार्क्स बनने चाहिए। देन आते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पे, इंग्लिश ऐसे का सब्जेक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था टफेस्ट फेलियर ही सबसे ज्यादा आपको मैंने बताया कि इसी सब्जेक्ट में जा रहे होते हैं। इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन का 100 मार्क्स का पेपर है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी आपका साइंस की बेसिक साइंसिस का असल में नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, इनके सबके मैं आपको ना कोई बुक्स की सॉफ्ट कॉपी जरूर दूंगा। बेसिक प्रेप में इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेस इन कंपोजिशन की, जिसमें बच्चे फेल होते हैं, इनके मैं आपको डाटा जरूर दूंगा। बाकी उनका इस्लामिक स्टडीज है, और नॉन मुस्लिम जो है वो कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ मेजर रिलीजन्स का सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, 600 के ये हुए जी। अब जरा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर आपको एक लुक दे देते हैं, ये सारा आपको पीपीएससी से डाउनलोड भी मिल जाएगा, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है वो पूरा आज सिलेबस अभी मीटिंग के बाद शेयर कर दूंगा, जो एफपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इस तरह ही आपकी पीपीएससी और दूसरे सिलेबस भी आपको दे दूंगा। तो 200 मार्क्स का ये पहला ग्रुप है जी, आपको ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से एक जो है कोई आप ले सकते हैं, और दूसरा ये है, तो इन दोनों ग्रुप्स में से आपको एक सब्जेक्ट जरूर लेना है। ये ग्रुप जरा टफ है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अप्लाइड और प्योर स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी है, अक्सर वो लोग जो अपने सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग होते हैं वो इनमें से एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। देन आपका ये सब्जेक्ट आ गया जी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक ग्रुप है, ये बिजनेस के रिलेटेड है सारा। दूसरा आपका जो हिस्ट्री है मुख्तलिफ कंट्रीज की, उसके मुतालिक ग्रुप है। फिर आपका एक ग्रुप जो है वो मुख्तलिफ जो है सब्जेक्ट्स पे आ जाता है, बॉटनी जोलॉजी लिटरेचर है, जनरल स्टडीज है, इन्वायरमेंटल है। फिर एक ग्रुप आ जाता है लॉ की, सारी है तकरीबन सारी की सारी सब्जेक्ट ही लॉ के हैं, फिलोसफी भी इसके अंदर एडिड है। और देन आपके जो कुछ जनरल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें जर्नलिज्म साइकोलॉजी जो है जियोग्राफी सोशियोलॉजी पंजाबी फिर लैंग्वेजेस हैं। अच्छा लैंग्वेजेस के पेपर आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में दे सकते हैं, एक्सेप्ट अगर आपको ट्रांसलेशन का कहा गया है कि आपने इस जुबान से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वो आपको उस क्वेश्चन करना पड़ता है। बाकी लैंग्वेजेस के पेपर आपको यूजली जो डायरेक्ट किया जाता है वो आपकी उसी लैंग्वेज में कर रहे होते हैं। और देन आ जाते हैं जी कंटेंट्स ऑफ सीएसएस पीएमएस इंग्लिश क्लासेस, जो मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूँ उसके कंटेंट्स पर है। सबसे पहले तो ऐसे राइटिंग है जी, हमारा बहुत बड़ा मेन टारगेट होगा इस वक्त जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ने भी आ रहे हैं, कुछ जाहिर है वर्चुअल क्लासेस तो मैं ऑन कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए। मेरे बहुत सारे एक्स स्टूडेंट्स जो चाह रहे थे कि सर हम दूसरे सिटीज में, बट हमें आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लगा था जब आपसे पढ़ रहे थे कॉलेज वगैरह में यूनिवर्सिटी क्लासेस में, तो तब से ही आपसे था कि आप ही करवा दें, तो दैट इज वाई उन सबके लिए ऑन किया। तो मैंने कहा कि क्योंकि ओपन कर लूँ इसको, why not the other students, all the students of Pakistan are my own students जी। तो ऐसे राइटिंग है जी सबसे अहम, और मेन फोकस भी इस पर रह रहा होता है। और आपको पैराग्राफ राइटिंग जो है वो अक्सर PMS में अक्सर पैराग्राफ राइटिंग आती रहती है जी, जो कंपोजिशन वाला पेपर है, CSS के पेपर में भी कंपोजिशन वाले पेपर में आ चुकी है। अच्छा कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, मैं बाद में जवाब देता हूँ आपको। ऐसे राइटिंग आपका बड़े मजे के टेस्ट होंगे जी, आप बकायदा तौर पर जो लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे रिजवान साहब के थ्रू, उन्होंने एक फी रखी हुई है उसके थ्रू, बाकी लेक्चर आप सबको मिलते रहेंगे जो है, लेकिन जो रजिस्टर्ड होंगे वो अपनी बकायदा उनको मैं ऐसे का टॉपिक दिया करूंगा, और वो उस पर एक ऐसे लिख के, शुरू में ऐसे छोटा रखा जाएगा चलो 2-3 पेजेस ही, ताकि एक बार आपकी मिस्टेक्स ठीक की जा सके, स्टाइल थोड़ा सा ठीक किया जा सके। देन हम फुल लेंथ ऐसे की तरफ, वो जो 2500 to 3000 words का ऐसे जाता है, मुझे अभी किसी बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर लेंथ कितनी होनी चाहिए इसी ऐसे की, तो 2500 to 3000 words होते हैं जी तो जो आपको मिनिमम लिखने होते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस रोज होगी, और आपको बकायदा मैं सर्कल लगा के गूगल क्लासरूम में टेस्टिंग के लिए जो मैंने ऐप आपको यूज करूंगा, आप देखेंगे कि मैंने उसको बकायदा बहुत अच्छी तरह टेस्ट भी कर रखा है, वो बहुत अच्छा वर्क करता है बकायदा, क्योंकि मेरे पास पेन टच लैपटॉप है, तो बकायदा तौर पर उस पेन टच लैपटॉप से आपकी वो मिस्टेक अंडरलाइन करूंगा, सर्कल करूंगा और ऊपर मार्क करूंगा कि आपने क्या लिखना था, और आपको वो रिटर्न जाएगा ऐसे रिसीव करेंगे, और आप अपनी मिस्टेक्स देख सकेंगे, और बिल्कुल एक्चुअल क्लासरूम वाला आपको फील होगा। इनफैक्ट इवन आप किसी एकेडमी में पढ़ते हैं ना, तो 50-100 बच्चा बैठा है, तो बच्चे आपको टीचर इतने ऐसे चेक नहीं कर सकता, इतनी वो आपकी प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, और ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत करवानी पड़ती है स्पेशली फॉर द इलिमिनेशन ऑफ मिस्टेक्स एंड गेनिंग ऑफ स्टाइल। तो वो आपकी जो है वो विजुअल केयर मिल जाएगी इस तरह से आपको मुझे देंगे, और मैं जब मर्जी सुकून से अपने लैपटॉप को बैठ कर अपने इवन मोबाइल चूंकि टच होता है उसके ऊपर स्टाइलस होता है जी, स्टाइलस के थ्रू मैं इजीली चेक कर सकता हूँ आपके ऐसे, और आपको जब मर्जी जहाँ मर्जी बैठा हूँ, ड्राइविंग कहीं जा रहा हूँ गाड़ी में बैठा,
तो मैं इस तरह मेरे जो फारिग वक्त है वो आपके ये एसेज और ग्रामर की जो टेस्ट आपको दिया करूंगा, क्विज़ेस क्विज़ेस ऑटो चेक हो जाया करेंगे, उसको डिस्कस किया करेंगे। आप जैसे क्विज़ का आपको मैं लिंक दूंगा, आप क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं, हर पेपर में 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, इंग्लिश में भी आता है, तो वो ग्रामेटिकल ऑब्जेक्टिव होती है, तो वो आपको जैसे सबमिट करेंगे आपको रिजल्ट आ जाया करेगा। मैं आपसे डिस्कस किया करूंगा राइट ऑप्शन कौन सा था और क्या नहीं था। प्रेसिएंट कंपोजिशन होगी जी आपकी, कंप्रीहेंशन होगी, टेंसेस होंगे आपके, सारे ट्रांसलेशन के लिए स्पेशली बहुत जरूरी है जो आपको उर्दू टू इंग्लिश करनी है। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कहते हैं, ये पेपर में आती भी है, आपके सीएसएस के पेपर में भी आ चुकी है, आपके पीएमएस में भी तो लाजमी आ रही होती है जी यूजुअली। वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को कहते हैं, ये भी आपके जो सूबाई सतह के पेपर हो रहे होते हैं उन पर आ रही होती है। ट्रांसलेशन आपको करवाई जाएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव्स, कंप्लीट बेसिक्स ऑफ ग्रामर, बेसिक्स ऑफ ग्रामर पर स्पेशली मेरे स्पेशलाइज लेक्चर्स हैं जिसमें सेंटेंस के पार्ट्स, मीनिंग, फंक्शन बेस्ड होते हैं, ग्रामेटिकल हायरार्की होती है, एटमोलॉजी होती है, वो बेसिक ग्रामर आपको सारी उसके कुछ लेक्चर्स होंगे। बल्कि मैंने जो फर्स्ट 10 लेक्चर्स का आपको सिलेबस दे रखा है उसमें बेसिक्स ऑफ लेक्चर्स के भी, ग्रामर के भी कुछ लेक्चर्स आपको ऐड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको यहीं से दिखाना चाहूँ तो मेरा एक स्केड्यूल है जी जो जिसको मैंने फॉरवर्ड फॉलो करना है, ये स्केड्यूल आपको नजर आ रहा है फर्स्ट 10 लेक्चर्स का। इसमें मैं एक हल्की सी चेंज करूंगा, वो ये होगी कि आपका जो कल का लेक्चर होगा वो हाउ टू इनहेंस वोकैबुलरी होगा, कि वोकैबुलरी कैसे इनहेंस करते हैं। सेकंड लेक्चर आया तो इंट्रोडक्शन हो रहा है ना सीएसएस पीएमएस इंग्लिश का और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का, तो कल आपका ये होगा वोकैबुलरी कैसे इनहेंस करनी है। ये सेवंथ मैं इसको नया स्केड्यूल दे दूंगा, कॉमन मिस्टेक इन राइटिंग इंग्लिश ये मैं थर्ड करने जा रहा हूँ, बाकी इसी तरह एक एक करके स्टेप नीचे आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट 10 लेक्चर्स का सिलेबस है, ये भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर चुका हूँ, दोबारा भी कर दूंगा, तो बल्कि अपडेट करके करूंगा जो मैं एक लेक्चर आगे पीछे कर रहा हूँ। तो ये जो सिलेबस है आपका बेसिकली जो नेक्स्ट होगा 10th लेक्चर के बाद वो मैं आपको फिर आगे जब हमारे 10th पूरे होने वाले होंगे फिर अगले 10 डेज का, तो इस तरह करके। लेकिन कंटेंट्स आपको सारे मिल रहे हैं जी। सेंटेंस करेक्शन रूल्स ये तो सीएसएस में लाजम आते हैं और बच्चों को सबसे ज्यादा मसला इसी में हो रहा होता है, एंड दैट इज माई फेवरेट फील्ड यू नो कि सेंटेंस करेक्शन कहते हैं किसी तो, और क्योंकि मैं पढ़ाता ही असल में सेंटेंस करेक्शन हूँ, ग्रामर इज बेसिकली मेरी स्पेशलिटी है जी। कई सालों से 12 साल हो गए मुझे एंट्रेंस क्लासेस लेते हुए जहाँ करेक्शन को बेसिकली मैं बड़े हैंडी तरीके से देख रहा होता हूँ। वोकैबुलरी सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और मैंने बोला कि एटमोलॉजी के रूल से हम करेंगे कि लफ्ज़ को सर पर थोड़ा मारेंगे तोड़ेंगे और अंदर से मीनिंग निकाल लाएंगे, आपको ये चीज ये आर्ट कल के मेरे लेक्चर से समझ आ जाएगा कि वोकैबुलरी को पकड़ना कैसे हम। ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स हैं जी, ईडियम्स मुहावरे होते हैं जैसे आपको पता है, सीखेंगे क्या होते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स, तो आप जानते ही बहुत सारे लोग वो जो अक्सर होमोफोन्स होते हैं वो पेयर ऑफ वर्ड्स में आते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स के खैर होमोफोन्स के अलावा भी बहुत सारी काइंड्स हैं। प्रेपोजिशंस सीखेंगे, पंक्चुएशन आपके सीएसएस और प्रेपोजिशन दोनों आती हैं जी, प्रेपोजिशन की फिलिंग आती है 10 मार्क्स की, पंक्चुएशन की भी 10 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं और ये आपके अक्सर पीएमएस में भी आए होते हैं। एनोलॉजी, एनोलॉजी बड़ी मजे की चीज है कि जो आपकी एनोलॉजी है ये आप लोगों को कैसे करनी है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे एनोलॉजी का कि जैसे मैं एक बल्कि क्वेश्चन पूछने को रहने देता हूँ आपसे, सिर्फ करवा लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि मैट जो होता है हमारा एटम्स आर टू कह लेते हैं हम अ मॉलिक्यूल, एटम्स टू अ मॉलिक्यूल, ठीक है जी। तो इसी तरह मुझे नीचे ऑप्शंस बताने आपने, वो ऑप्शन आ जाते हैं कि एटम्स का एक मॉलिक्यूल से रिलेशन है, जाहिर है एटम्स मॉलिक्यूल में अरेंज्ड पड़े होते हैं, एक तरतीब में लगे होते हैं। साइंसेज में भी एनोलॉजी, ये एनोलॉजी कहते हैं वर्ड्स के रिलेशन निकालने को। नीचे आपको आपको आ गया जी कि लफ्ज आ गया आपको इस तरह से आ गया कि बुक्स बेड, आपको आ गया पेन्स, और आपकी आ गया जी टेबल, आपके पास ऑप्शन आ गया जैसे मेरे पास ये माउस और डिवाइसेस पड़ी है, डिवाइसेस लैपटॉप, और एक आपको जो है वो ऑप्शन आ गया कि नंबर मैट्रिक्स, तो आंसर होगा नंबर एंड मैट्रिक्स। क्यों, रीजन उसकी मजे की चीज है, ये हम बेसिक्स भी सीखेंगे कि मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स अरेंज्ड होते हैं एक क्रिस्टल, बल्कि अगर मैं इसको और प्रसाइज कर दूं तो साइंस वाले फौरन समझ आएंगे कि एटम्स आर टू क्रिस्टल, वो और आपको कि क्रिस्टल में एटम्स अरेंज्ड होते हैं, आपने देखा ना वो गैसेस की तरह वो बेतरतीब नहीं बिखरे होते, लेकिन टेबल्स के ऊपर पेंस बिखरे भी हो सकते हैं, तरतीब भी हो सकते हैं लेकिन बिखरे भी तो हो सकते हैं ना।
इसी तरह बुक्स बेड के ऊपर तरतीब में नहीं होती, वो तो कपबोर्ड में तरतीब में होती हैं, बिखरी भी हो सकती हैं। डिवाइसेस जो हैं वो अक्सर जो है वो लैपटॉप के साथ लगी होती हैं, पर ये नहीं हम कह सकते कि वो एक एक ही तरतीब से जो है वो हमेशा लगी रहेंगी। आप जैसे मैंने ये यूएसबी केबल्स लगाई हुई हैं तो मैं अक्सर 3-4 पोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ पोर्ट्स में लगा सकता हूँ, लेकिन लेकिन नंबर्स जो है वो मैट्रिक्स में अरेंज होते हैं। आप नंबर्स कभी भी मैट्रिक्स में ये नहीं कि फेंक दिया, आपको अरेंज करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं ना, जो आप क्या नाम लेते हैं, आपने मैट्रिक में भी सीखे होंगे मैट्रिक्स वगैरह, तो आप उसमें नंबर्स लगाते हैं 3, 4, 5, 6, तो वो हमेशा अरेंज पड़े होते हैं, बिखरे नहीं होते। तो अरेंजमेंट का रिलेशन था एनोलॉजी, इसको कहती है। तो एनोलॉजी असल में रिलेशनशिप फाइंडिंग है, इसको डिटेल में करेंगे, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की। लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, डायलॉग राइटिंग, ये अक्सर पीएमएस की चीजें हैं जी सारी, और पास पेपर्स हम सारे करेंगे इंशाल्लाह, सारे मेरे पास पड़े भी हुए, एक दिखाऊंगा भी आपको। 3 months टीचिंग होगी जी, प्लस टेस्टिंग होगी, टीचिंग के साथ टेस्टिंग होती जाएगी, देन 1 month मॉक या फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ताकि आपकी प्रॉपर प्रेशर हैंडलिंग भी आए आपको, और एग्जैक्ट जो सीएसएस पीएमएस के लेवल के पेपर आपसे लिए जाएंगे। प्रोविजन ऑफ नोट्स एंड एक्टिविटीज होंगी आपको लाजमी तौर पर मेरी तरफ से, प्रोविजन ऑफ बुक्स इन सॉफ्ट कॉपी होंगी आपको, जो बुक्स हैं सीएसएस की वो आपको दी जाएंगी जी सॉफ्ट कॉपी में। टेस्ट डिस्कशन होंगी, इंडिविजुअल केयर थ्रू सेपरेट डिस्कशन होगी, जो मैं बता चुका हूँ कि हर बच्चे को अलग-अलग से जो उसके इश्यूज होंगे डिस्कस किए जाएंगे। और अक्सर मैं काम किया करूंगा कि अगर एक बच्चे को मुझे नजर आ रहा है कि ये इशू है, तो मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाकर उस बच्चे को सेंड करूंगा कि बेटा आपकी देखो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये इंडिविजुअल केयर आपको कहीं भी आप किसी अकेडमी में बैठे होते हैं तो नहीं मिल सकती इस तरह से। ये एक पेपर मैंने आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ऐसे का पेपर है, आप इसमें देख सकते हैं 2500 टू उन्होंने लिखा हुआ है 3000 वर्ड्स चाहिए होते हैं। ये 10 टॉपिक से एक चुनना है, टॉपिक चुनना भी महारत है, और ये मुख्तलिफ जो है वो कैटेगरीज से टॉपिक्स आ रहे होते हैं, हम इन सारी कैटेगरीज को, मेजर कैटेगरीज को स्पेशली लाजम अच्छी तरह से करेंगे, और उन टॉपिक्स पर डाटा जो है आपसे इकट्ठा करना भी आपको सिखाऊंगा, और आपको रेडीमेड एसेज भी मिल रहे होंगे। नेक्स्ट आ रहे हैं जी आपका कंपोजिशन का पेपर, मैं पेपर एक पास पे, ये 2020 के हैं जी जो इसी साल कंडक्ट हुए, ये वो पेपर्स आपको दिखा रहा हूँ, अभी सीएसएस 2021 होगा। तो ये आपका 2 question आपको नजर आ रहे हैं, एक प्रेसी का और एक कम्प्रीहेंशन का। प्रेसी होता है वो तलखीस करना, एक लेंथी पैराग्राफ है आप उसको 1/3 करना है, छोटा बना के लिखना है, और कम्प्रीहेंशन में उस पैराग्राफ को पढ़ के, पैसेज को पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने, और ये आपको अपनी लैंग्वेज में देने, आप पैराग्राफ के सेंटेंसेस यूज नहीं कर सकते, और देखें आपको राइटिंग स्किल्स रिक्वायर्ड है। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या मिस्टेक्स कर रहे हैं, फेल, यही वजह इंग्लिश के पेपर में फेल होने की, स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल्स वीक होती हैं। देन आपको नजर आ रहा है जी ये करेक्शन के सेंटेंसेस हैं आपको नजर आ रहा है, ये पंक्चुएशन आपको नजर आ रही है, देन आपको ये प्रेपोजिशन फिलिंग नजर आ रही है, देन आपको ईडियम्स नजर आ रहे हैं, मुहावरे जिनको हम कहते हैं, और ये ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है। 20 मार्क्स का इसके साथ ऑब्जेक्टिव का पेपर अलहदा होता है, ऐसे में ऑब्जेक्टिव नहीं होता जी, ये कंप्रीहेंशन में 20 मार्क्स की वो ग्रामर ही होती है, मुख्तलिफ किस्म की आर्टिकल फिलिंग ब्ला ब्ला, और अक्सर ये थोड़ा बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं, कहीं इसके अंदर सिनोनिम्स भी आ जाते हैं, ग्रुपिंग आ जाती है कि मुख्तलिफ सिनोनिम्स को आप एक ग्रुप में कर दें, तो एग्जामिनर थोड़ा बहुत अंदर तब्दीली कर लेता है हर साल पेपर में, यूजली यही पैटर्न रह रहा होता है। हम लेकिन सारे कंटेंट्स मैंने बताए, हम वो सारे करेंगे। ये आपका उन्होंने जो अपनी वेबसाइट पर सिलेबस दिया हुआ है कंपोजिशन के पेपर का, वो प्रेसी राइटिंग है 20 की, रीडिंग है, ग्रामर एंड वोकैबुलरी है, देन सेंटेंस करेक्शन है 10 की, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स है 10 की, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स मतलब वो सिनोनिम्स कहते हैं कि जो वर्ड्स एक जैसे मीनिंग रखते हैं उनको ग्रुप कर दें, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं आपको उनकी जो है सेंटेंसेस बनाने को आते हैं, ट्रांसलेशन आती है। लेकिन आपने देखा जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है उसके अंदर, अभी पेपर मैंने आपको दिखाया कि उसमें थोड़ा बहुत वो अपनी मर्जी से आगे पीछे भी कर रहे होते हैं, तो दैट इज वाई हमें कंप्लीट कंटेंट्स और ग्रामर करनी पड़ती है। जब वो कहते हैं ग्रामर तो इट मींस कंप्लीट ग्रामर जी, यस आई एम सेइंग कंप्लीट, ईच एंड एवरीथिंग आपको करवाई जाएगी क्योंकि वो शामिल है। ये बुक्स हैं जी कुछ, इसमें मुझे जो बहुत अच्छी बुक लगती है वो सेकंड बुक है, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज, माइकल स्वैन की बुक है, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की पब्लिश्ड है। बाकी सारी बुक्स भी आपको मिल जाएंगी, आपको डाटा उनका दिया जाएगा, और हम इनकी इंशाल्लाह एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे क्योंकि अक्सर ऑब्जेक्टिव इन्हीं के अंदर से आ रहा होता है, और हम इन्हीं बुक्स को फॉलो करते हुए ज्यादा से ज्यादा अपना काम कर रहे होंगे। ये उन्होंने अपने सिलेबस में दिया हुआ है, आज मैं सिलेबस शेयर करूंगा, आप उसमें ये देख सकते हैं। देन हमारे पास आ गया जी कंटेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, तो बेटा उसमें टेंसेस, नरेशन, बहुत सारी चीजें सेम है, इसलिए तो मैंने सेम शुरू के कुछ अरसा सेम चलेगा इंग्लिश लैंग्वेज वाले बच्चे भी और सीएसएस पीएमएस वाले बच्चे भी, क्योंकि शुरू के बहुत सारी चीजें सेम है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एट द एंड में उनको आंसर करता हूँ बच्चों। नरेशन है, वॉइस है, वही बातें देखो, ट्रांसलेशन है आपके इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में, पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपके सारे, कंप्लीट बेसिक्स ऑफ ग्रामर, कंप्लीट जी
सेंटेंस करेक्शन के कंप्लीट रूल्स करवाऊंगा ताकि आपकी मिस्टेक्स खत्म हो जाएं, वोकैबुलरी एनहांसमेंट होगी आपकी इंशाल्लाह, प्रेपोजिशंस होंगी, पंक्चुएशन होगी, राइटिंग स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी, मतलब एक्यूरेसी दी जाएगी, ओमिशन ऑफ कॉमन एरर्स जो बच्चे करते हैं राइटिंग में, और स्पीकिंग स्किल्स आपकी, पर लास्ट मंथ आपका स्पीकिंग स्किल्स का है, एंड वी वुड बी वर्किंग ऑन प्रोनंसिएशन एंड फ्लुएंसी कि हाउ टू प्रोनाउंस करेक्टली एंड हाउ टू प्रोनाउंस फ्लुएंटली, दो स्किल्स वुड बी इंशाल्लाह वर्कड अपॉन। और ये देखिए, ये दो हमारी ना आउटपुट स्किल्स हैं, राइटिंग और स्पीकिंग। देखो रीडिंग इनपुट है, आप पढ़ रहे हैं आपके ब्रेन में जा रहा है, लिसनिंग इनपुट है आप सुन रहे हैं आपके ब्रेन में जा रहा है, लेकिन राइटिंग आप कर रहे हैं ये आपकी आउटपुट है, स्पीकिंग आपकी आउटपुट है। ये आउटपुट स्किल्स आपको दी जाएंगी बेसिक लैंग्वेज कोर्स में आपके टोटल में, तो ताकि आपकी राइटिंग, आप कहीं भी आपको कोई लिखने को कहे, कोई आपको ड्राफ्ट तैयार करने को, कहीं आप जॉब कर रहे हैं और आपको कहा जाए कि ड्राफ्ट तैयार करके रहो, एक रिपोर्ट लिख कर आओ, तो देयर शुडंट बी एनी मिस्टेक एंड यू कुड हैव हैंडल्ड इट वेरी स्किलफुली। और स्पीकिंग स्किल्स, यस दैट इज नाउ हैज बिकम द नीड ऑफ द आवर कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हों। नेक्स्ट आते हैं जी प्रोसीजर, इसका क्या है, ये 2 मंथ्स की इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस होंगी, इसके अंदर जो बेसिक लैंग्वेज कोर्स है आपका, 1 मंथ राइटिंग स्किल्स एनहांसमेंट होगी और 1 मंथ स्पीकिंग स्किल होगी, प्रोविजन ऑफ नोट्स, आपकी बुक्स, आपके टेस्ट डिस्कशन, एवरीथिंग वुड बी देयर, और सेपरेट इंडिविजुअल डिस्कशन होगी। देन आप क्लासेस टेक कैसे करनी है, ऑनलाइन क्लासेस बट आपकी जूम पे होंगी, जैसे इस वक्त बहुत सारे बच्चे जूम पर क्लास ले रहे हैं, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा मीटिंग का, वो मीटिंग का लिंक आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप जूम पर पहुंच चुके होंगे। और अगर आप बहुत सारे बच्चे जो फ्री करना चाहते हैं वो फेसबुक से भी ले सकेंगे, लेकिन शायद मैं सारे लेक्चर फेसबुक पर ना दे पाऊँ, लेकिन ये लाजमी तौर पर ये जूम का लिंक मैं दूंगा और उन बच्चों को जूम का लिंक मिलता रहेगा। शुरू के लेक्चर तो चलो सबको दूंगा, बच्चे मुझे जानना चाहते हैं, देन चूंकि ज़ाहिर है जूम जो है उसका रूम जब फिल हो जाएगा तो मैं सबको नहीं दे सकता जूम जी, क्योंकि उसमें कैंडिडेट्स की लिमिटेशन होती है। देन आते हैं first 10 classes विल ऑल्सो बी ऑन फेसबुक लाइव, ये पहले 10 मैं फेसबुक लाइव पर चलाऊंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होंगे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को, अगर वो मिस करते हैं किसी फंक्शन या इशू की वजह से उनको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट आते हैं जी 1 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो है वो गूगल क्लासरूम में जाएंगे, वो हमें जीमेल का अपना आईडी भेजेंगे रिजवान साहब से रजिस्ट्रेशन के बाद, जैसे वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, फी वगैरह पे कर लेंगे, तो वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे। ये बातें मैं, सर रिजवान साहब ने मुझे रिक्वेस्ट किया हुआ कि सर ये बातें लाजम कर दीजिएगा, तो मैंने कहा चले मैं ऐड कर दूंगा क्योंकि बच्चे जानना चाहते हैं। तो वो गूगल क्लासरूम के अंदर जो है वो उनको नोट्स भी जाएंगे, उनको बुक्स भी जाएंगी, उनको लिंक्स भी जाया करेंगे सारे के सारे, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग और डिस्कशन सारी गूगल क्लासरूम में होगी। आप मुझे जब जीमेल देंगे ना तो मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा, वो लिंक पर आपके वो जीमेल के अकाउंट में जाएगा, आप उस जीमेल से इनबॉक्स खोलकर जैसे क्लिक करेंगे आप गूगल क्लासरूम में पहुंच जाएंगे और वहां से आपको सारा चीजें मिलती रहेंगी। फिर आप एक बार साइन इन है, आप लाइव टीम उस क्लास के अंदर रहेंगे। ऑल द नोट्स एंड प्रैक्टिस शीट विल बी प्रोवाइडेड इन द गूगल क्लासरूम, ठीक हो गया जी। और मैं गूगल क्लासरूम यूज कैसे करना है, जूम कैसे यूज करना है, इसकी भी बकायदा आपको वीडियोस जो है वो सुबह तक आप तक पहुंच जाएंगी, उसकी छोटी छोटी ट्रेनिंग वीडियोस आ जाएंगी आपको ताकि इश्यूज ना आए। देन आप अपना वो जो है वो हमें नेम, फादर नेम, एजुकेशन, सिटी जो है वो रजिस्टर भेजेंगे, व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी और ट्रांजेक्शन जो आपने किया रिजवान साहब के इस नंबर, वो इस रिजवान साहब के इस नंबर पर भेजेंगे जो आपको स्क्रीन पर आ रहा है 0333-696-9972 पर। रिजवान साहब ने कहा था फीस लाजम बताइएगा, 2000 फी है जी, कोई और चार्जेस नहीं है, ये पर मंथ फी है। 4 मंथ्स के लिए अगर आप इकट्ठी देंगे तो 7000 हो जाएगी, 1000 की कंसेशन हो जाएगी। और ये रिजवान साहब का स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अकाउंट है, ये जैज कैश का है और ये इजी पैसा का है। जैज कैश और इजी पैसा तो उनके अपने मोबाइल नंबर पर ही है, आप उनका नेम जरूर चेक कर लीजिएगा सेंड करते हैं कि वही नेम आ रहा है। और ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, उन्होंने कहा था कि मेरा बैंक अकाउंट भी दे दें, क्योंकि बच्चे सिक्योर समझते हैं बैंक अकाउंट के थ्रू, तो ये उनका नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस नंबर पर करवा सकते हैं ट्रांजेक्शन। तो देट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड जी, बेस्ट विशेज फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मैं अभी आंसर देना चाहता हूं आपके क्वेश्चंस के। मेरा एड्रेस भी है 37 हक टाउन, कि अगर आप मुझसे कोई मिलना चाहते हैं, यही मेरा ऑफिस एड्रेस है, अगर आप विजिट करना चाहते हैं, अगर आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं थ्रू पोस्टल, तो दैट इज माई एड्रेस। कॉन्टेक्ट नंबर जो है मेरा 0300-570-1669 है, अक्सर मैं कॉल पिक नहीं कर पाता, आप मुझे मैसेज लीव कर सकते हैं स्पेशली व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको रिप्लाई किया करूंगा। SMS भी कर सकते हैं, लेकिन when I would get time, I would, क्योंकि बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस में बिजी होता हूं जी, और एक्चुअल क्लासेस भी शुरू हो जानी है, जैसे ही COVID-19 खत्म हुआ तो वो एक्चुअल क्लासेस वगैरह जो है वो मुझे बिजी कर देंगी। एंड इस हिंड्रेस से अवॉइड करने के लिए आप रिजवान साहब को SMS किया करें, जो भी इन्फॉर्मेशन उनसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन थ्रू व्हाट्सएप और SMS, कॉल में शायद रात के वक्त किसी टाइम आपकी ले सकूं। मेरा FB पेज भी है जी facebook.com/pedagogies के नाम से,
लेक्चर्स आपको इसके ऊपर भी मिल सकते हैं, शुरू के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी वहाँ पड़े होंगे और आप लेक्चर्स वहाँ लाइव देख भी सकते हैं। और मेरा यूट्यूब का चैनल भी है youtube.com/numanfsl, आप ये एड्रेस लिखेंगे अगर यूट्यूब पर जाके सर्च बार में अपने गूगल क्रोम वगैरह या किसी भी सर्च इंजन के, तो आपको मेरा यूट्यूब का पेज खोलकर सामने आ जाएगा। और मैं अपनी वीडियोस मुख्तलिफ बच्चों की हेल्प के लिए बनाता रहता हूँ, उनको सेंड करता रहता हूँ। ट्रेनिंग वीडियोस होती हैं, गाइडलाइन वीडियोस होती हैं, टिप्स वीडियोस होती हैं, वो वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी, उसके लिंक्स भी मिलते रहेंगे और इस यूट्यूब चैनल पर, ये तो हर कोई देख सकता है ये जो मेरे चैनल पर मौजूद होगी। तो दैट वॉज फ्रॉम ऑल फ्रॉम माई साइड जी। नाउ लेट मी आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यू पीपल जो कि बच्चों ने मुझसे चैटिंग में पूछे हुए। सबसे पहले जी थैंक यू जी बेस्ट टीचर कहने के लिए। बेटा वो 35,000 वर्ड्स जो हैं आप रिमेम्बर नहीं कर सकेंगे, आपको टिप्स दी जाएंगी, आपको वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट, आपके ना एक वोकैबुलरी होती है पैसिव, एक होती है एक्टिव, और एक होती है वोकैबुलरी नहीं होती, पहले तो आपकी वोकैबुलरी बिल्ड करेंगे, देन उसको पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। पैसिव वोकैबुलरी होती है कि अगर मैं खुद इसको दे रहा हूँ टर्म कि जो वोकैबुलरी आपको मीनिंग आते हैं आप यूज नहीं कर पा रहे, अक्सर लफ्जों के बहुत सारों के आपके मीनिंग आ रहे होते हैं लेकिन अक्सर आप लिखने बैठते हैं आप उनको यूज नहीं कर पाते, वो पैसिव रहे होती है, उसको एक्टिव भी करेंगे इंशाल्लाह, और आपकी वोकैबुलरी की शीट्स भी मिलेंगी और उसके एनहांसमेंट के तरीके भी मिलेंगे। स्ट्रक्चरल राइटिंग आपकी इंप्रूव की जाएगी, नो इशू जी। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, बेटा मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने कैसे सब्जेक्ट लेने, जैसे सीएसएस का ऐड आएगा ना और पीएमएस के एड्स आएंगे मैं बकायदा उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और सब्जेक्ट चॉइस के हवाले से आपको इंशाल्लाह गाइड लाजम करूंगा। और अगर आप जो है लाजमी तौर पर आपके लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट जो ऑप्शनल में आपको चुनने चाहिए, आपकी स्टडीज और आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली इसको दिया जाएगा। थैंक यू जी आपका जजाकल्ला कहने का। स्केड्यूल ऑफ एसेज जो होगा बेटा जी, आपको बकायदा जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे, ज़ाहिर टेस्टिंग सिर्फ उनकी मैं कर पाऊंगा, देखिए मैं सबकी टेस्टिंग नहीं कर पाऊंगा। अब रोज मुझे फर्ज करो कि मैं 15-20 एसेज तो चेक कर सकता हूँ रोज के, बहुत ज्यादा लगा के 15-20 का मतलब है मैंने अगर 3 पेजेस का भी एसे दिया हुआ है तो मुझे 50 के करीब पेजेस चेक करने पड़ गए, 45-50 ज्यादा पेजेस का दिया हुआ है तो और ज्यादा, तो मैं ज्यादा स्टूडेंट्स ले भी नहीं सकता, मैं स्टूडेंट्स भी एक लिमिटेड तादाद में लूंगा जिनको मैं अच्छे तरीके से डील कर सकूं, और इसलिए मैं सिर्फ गूगल क्लासरूम में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे रिजवान साहब के थ्रू उन्हीं को ऐड कर पाऊंगा, देखा उनकी टेस्टिंग कर पाऊंगा, बाकी मेरे वीडियोस जो हैं वो बहुत सारी मैं सेंड करता रहूंगा सारी, वो भी मैं कर पाऊंगा। और कोर्स जो होंगी जहर बेटा सारा एडजस्ट करना आपको सिखाया जाएगा, मैं आपको सैंपल एसेज दूंगा, टेंशन ना लें, आपको कोर्स मिलेंगी, आपको बकायदा बुक्स भी मिलेंगी और आपको नोट्स भी मिलेंगे बहुत सारी, लिटरेचर का सिलेबस भी आपको शेयर करूंगा और कुछ ना कुछ लिटरेचर पर भी। इंग्लिश लिटरेचर एक सब्जेक्ट है जी, ये ऑप्शनल में होता है, इंग्लिश लिटरेचर जो चुनना चाहता है वो ले सकता है, वो ग्रामर नहीं है, वो प्योरली प्योर अदब है, जैसे उर्दू लिटरेचर का होता है उर्दू अदब, इस तरह इंग्लिश लिटरेचर का भी होता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आप माइक ऑन करना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से मुझे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, आई वुड टर्न ऑन द माइक फॉर यू पीपल। अभी तक मुझे क्वेश्चन आई जा रहे हैं, लव यू फ्रॉम स्टूडेंट्स जी, थैंक यू जी, लव यू टू माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा बस एक कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि घर भी आजकल हम फ्री होते थे COVID-19 की वजह से, तो सोचा क्यों ना बच्चों को किसी ना किसी तरीके से गाइड किया जाए। बच्चे कह रहे हैं कि सर हम बहुत सारे और तो ये 4 मंथ्स का स्केड्यूल टफ होगा, देखिए बच्चे मेरी एक चीज याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप किसी दूसरे अकेडमी में जाएंगे वो 5-6 माह करवाते हैं, और मैंने अक्सर देखा हुआ है, इस चीज को ऑब्जर्व किया है बकायदा खुद चुके कुछ अदारों से अटैच रहा हूँ कि वो आते हैं लेक्चर दे के चले जाते हैं, आते हैं लेक्चर दे के चले जाते हैं और बच्चे बेचारे एक दूसरे से सर खा रहे होते हैं। और देखो आपकी बेसिक्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी, तो जब अगर मुझे आप लोगों की बेसिक्स इंप्रूव करनी है ना तो मुझे आप लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, और उस चीज के लिए जो है वो क्या नाम लेते हैं मुझे लाजमी तौर पर आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। 3 मंथ्स में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ये डन है, आपका सारा करवा दूंगा, और 3 मंथ्स जो है करेक्शन करवाते हैं बेटा हम, एंट्री टेस्ट की करेक्शन करवाते हैं, हमें से बहुत सारे बच्चे एंट्री टेस्ट करते हैं, एंट्री टेस्ट की आपने देखा करेक्शन करवाते करवाते अक्सर 1.5-2 माह लग जाती है, तो मैंने तो आपको सारी ग्रामर करवानी है, टोटल ग्रामर करवानी है, सिर्फ करेक्शन के अलावा भी बहुत कुछ करवाना है। ऐसे राइटिंग एक अच्छा खासा टाइम टेकिंग इशू है, अगर मैं तो ऐसे राइटिंग ही आपका 1 महीने से ज्यादा का इशू लगता है, तो दैट इज वाई 3 मंथ्स सिलेबस कवरेज जो है वो मैंने बड़ी सोच समझ के रखी है, मैं बल्कि कम टाइम में करवा रहा हूँ, अगर मैं कहूँ मैं कई बार सोच रहा होता हूँ
आप उसको ज्यादा टाइम समझ रहे हैं शायद। थैंक यू जी। बच्चा कह रहा है वो मिस कर रहा है मेरी क्लासेस को। ओके जी, वुड सी यू इन द रियल टाइम क्लासेस नाउ। तो क्लासेस बेटा आज से। जी बेटा पूछो। फिजा बेटा, लिसनिंग और रीडिंग को इम्प्रूवमेंट को स्किल कर, इनको इम्प्रूव करने के लिए कितनी देर के लिए हम किस चीज को ज्यादा सुने? हाँ, मेरा वैसे पहला एक लेक्चर भी दिया हुआ है मैंने लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए, उसके ऊपर आते हैं। देखिए जो लिसनिंग होती है ना, ये आपकी इम्प्रूव होती है आपके इनपुट से। अच्छा मैं एक चीज कहता होता हूँ, आप एक पिछली बार भी एग्जांपल दी थी, आप थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेते हो ना, आपकी आत्मा को शांति पहुंचे ब्ला ब्ला और वो चिंता ना करो, लेकिन आप उर्दू ज्यादा अच्छी बोल लेते हो, बल्कि इंग्लिश इससे थोड़ी सी ज्यादा बोल लेते हो हिंदी से, ऐसा ही है? उसकी रीजन इनपुट है स्पीकिंग की, एंड इफ यू गिव अ लेस इनपुट देयर वुड बी लेस आउटपुट टू। तो जितना आप सुन सकते हैं सुने, आप न्यूज चैनल्स को लाजम सुने, इसे आपको सीएसएस के लिए बड़ा जरूरी है, न्यूज चैनल्स, इंग्लिश न्यूज चैनल सुने। मैंने अपने सीएनएन और बीबीसी वगैरह, अल जजीरा वगैरह मैंने टॉप पर लगाए हुए हैं, क्योंकि मैं अक्सर इनको सुनता रहता हूँ, मेरे फेवरेट चैनल्स में से आते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल अफेयर्स की खबरें बहुत देती हैं। तो आप इन न्यूज चैनल्स को सुनते रहेंगे, आपकी लिसनिंग बढ़ती जाएगी, पर लेकिन इंटरेस्ट से सुनना है। तो ये चीज और इस तरह रीडिंग है, आपने देखो आज तक हिंदी रीड नहीं किया, आप हिंदी लिख नहीं पाएंगे, एक लफ्ज हिंदी का नहीं लिख के दिखा सकते हैं मुझे। Yes, sir. क्योंकि आपने, आपकी रीडिंग जीरो है, लेकिन आपकी रीडिंग जो है जीरो, तो राइटिंग जीरो, क्योंकि राइटिंग की इनपुट रीडिंग है। और यही चीजें मैंने आपके इनपुट ही तो बढ़ाने हैं ताकि आपके आउटपुट्स इनहेंस कर जाएं, यही तो मैंने वर्क करना। आई एम बेसिकली लिंग्विस्टिक्स डिग्री होल्डर जी, मेरी फील्ड ही लैंग्वेज ऑफ है, लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक्स कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज को। मेरा जो एमफिल है वो लिंग्विस्टिक्स का है बेसिकली, तो दैट इज व्हाई मैं इस आपको एक टेक्निकल तरीके से डील करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। किसी और ने क्वेश्चन पूछना है तो वो अपना माइक ऑन करवा सकता है मुझे हैंड रेज करके, जैसे फिजा ने। तो आपके नेम मेरे पास आ रहे होते हैं। अजान का टाइम हो गया जी, आई हैव टू एंड इट फॉर दैट पर्पस। मे अल्लाह ब्लेस यू, आई वुड आंसर एवरीथिंग दैट इज आस्क्ड बाय यू। मैं आपके मैसेजेस पढ़ता जाऊंगा, बल्कि मैं चुप कर जाता हूँ, आपके मैसेजेस को रीड करता जाता हूँ। खान साहब आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगा। चले मैं आपको ना, शायद अक्सर बच्चों को गूगल और जूम वगैरह यूज करना नहीं आता, इसके मैं एक हल्की छोटी सी एक वीडियो बनाकर आप लोगों को सेंड करूंगा कि आपने अपने आपको अनम्यूट कैसे करवाना है। लेकिन जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं सेटिंग्स में, क्योंकि आज बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और मैं नहीं चाहता कि जो है वो कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो, तो दैट इज वाई आपको अनम्यूट किया हुआ था, ओके आप म्यूट किया हुआ था, क्योंकि अनम्यूट खुद करवा सकता है वरना खुद नहीं कर सकता। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनको एक मैं ऑप्शन दूंगा, वो खुद को अनम्यूट खुद कर सकेंगे, उनको मेरे से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे वुड बी। और ज़्यादा वो तादाद में कम होंगे तो डिस्टर्बेंस के चांसेस भी कम होंगे। आप बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे इस वक्त एडिट जो ले रहे हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आया है जी मुझे कि सर हमें कहा गया कि डॉन न्यूज़पेपर काफी है। बेटा न्यूज़पेपर्स इंग्लिश का आपको लाजम सजेस्ट होगा, जैसे मैंने कहा कि लिसनिंग इनपुट है, आप न्यूज चैनल सुने, आपकी स्पीकिंग होगी तो मैं आपको न्यूज़पेपर सजेस्ट करूंगा, बल्कि मैं अक्सर आप लोगों को न्यूज़पेपर से टॉपिक दिया करूंगा कि ये आर्टिकल आपने इस न्यूज़पेपर से पढ़ा होगा। ऑनलाइन भी आजकल तो न्यूज़पेपर्स अवेलेबल है, वहीं से डाउनलोड करें और या ऑनलाइन पढ़ें, कि इस आर्टिकल को आपने रीड करने से आपकी रीडिंग बढ़ेगी, और आपको कहूंगा इसी के ऊपर आपने अपने वर्ड्स में पैराफ्रेजिंग करके लाए,
पैराफ्रेजिंग याद रखिएगा, कुछ आती भी है स्पेशली पीएमएस वगैरह में आ जाती है, कि उसको अपने वर्ड्स में लिखकर भेजिए, इससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगे और आपकी रीडिंग भी इंप्रूव होगी। और देखो जब वो आप पैरा पढ़ेंगे तो बहुत सारा जो है आपके पास आएगा। मैं आपको टेक्निक मणि जी की दूंगा, मेरे लैपटॉप पर ये मैंने लैपटॉप पर कंट्रोल एम दबाया, अभी आपकी स्क्रीन पर ये डिक्शनरी खुल गई है। तो ये मैं आपको टेक्निक्स बहुत सारी टेक्निकल भी दूंगा कि आप जब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको किसी लफ्ज का मीनिंग नहीं आता, आपने जस्ट उस वर्ड पर क्लिक करना और कंट्रोल एम दबा देना है। मैंने अपने कंप्यूटर में ये सेटिंग कर रखी है, जैसे मैं उस वर्ड पर क्लिक करके एम दबाऊंगा मेरे सामने डिक्शनरी खुल जाएगी, ये जैसे खुल गई है, तो उस डिक्शनरी से आप अपना मीनिंग देखें, अपना सारा काम देखें। ठीक हो गया जी, तो ये डिक्शनरी मैं बंद कर रहा हूं जी। और क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू स्पीक इंग्लिश? माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट स्पीकिंग। मुझे बताइए, गल्फ का बच्चा पैदा होता है वो जाकर क्या अरेबी की कोई टेंसेस सीखता है? यूरोप में बच्चा पैदा होता है, अमेरिका में पैदा होता है, क्या वो इंग्लिश की ट्यूशन ले रहा है? कोई बर्तानिया में बच्चा पैदा हो रहा है कि वो इंग्लिश की अकेडमी ले रहा है? नहीं ले रहा। रीजन, वो सुन रहा है बहुत ज्यादा और बोलने की कोशिश करता है, बोल पड़ता है। आप भी कोशिश तो करें, सुनना तो शुरू करें, इनपुट तो दें। ओ भाई, जब तक गुड़ नहीं डालोगे मीठा कैसे लोगे? इनपुट तो दो, आउटपुट निकलेगी। तो सुना करें फिर बोलना भी शुरू कर देंगे। ये क्वेश्चन नबील अकबर ने पूछा था जी। और इंग्लिश कहाँ से शुरू करनी है? बड़ा बेसिक से शुरू करनी है, स्पेशली जो राइटिंग है वो ग्रामर से शुरू करनी पड़ती है आपको। जब तक आपको बेसिक मिस्टेक्स ना पता हो, ये ना पता हो कि आप मिस्टेक करते कौन कौन से, इसलिए तो मैंने अपना सेवंथ लेक्चर को थर्ड कर दिया है। वो थर्ड किया इसलिए कि आपको पता लगे कि बच्चे मिस्टेक्स करते क्यों है और किस तरह की मिस्टेक्स ज्यादा होती है। वो सारा लेक्चर है ही उस चीज पर जो थर्ड लेक्चर मैंने है। तो शुरू के 8-10 लेक्चर आपके रखे मैंने बेसिक्स के, थोड़ा सा आपको सेट करने को, ताकि आप फिर दौड़ना शुरू हो जाएं। देखिए, मैं एक चीज मानने वाला हूं, जब तक बच्चे की बिल्डिंग की बुनियादें मजबूत ना हो, बिल्डिंग डालने का फायदा कोई नहीं। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान में अक्सर बिल्डिंग्स गिरती रहती हैं, कई मंजिला गिरती, इसलिए बुनियादें नहीं होती। बच्चे 5 साल सीएसएस की तैयारी करते हैं, फिर फेल हो रहे हैं। एक बार अटेम्प्ट किया ऐसे में फेल, दो बार अटेम्प्ट किया ऐसे में फेल, अभी बार बार फेल ही होना है। तो बच्चा पूछे, पहले देखो तुम फेल क्यों हो रहे हो, अपनी बेसिक्स ठीक करें। तो बेसिक्स पर काम बहुत जरूरी है, और मैं अपने शुरू के लेक्चर्स में काम ही बेसिक्स पर कर रहा हूँ, ताकि और आपको बताऊंगा कि आपकी मिस्टेक्स क्यों होती हैं और इसको ठीक कैसे करना है। और देन हम अपनी एडवांस ग्रामर को उठाएंगे। बेसिक लैंग्वेज कोर्स में भी ऐसा ही होगा और सीएसएस में भी ऐसा ही होगा। खान साहब अपने हैंड रेस कर देते तो मैं आपको अनम्यूट कर देता। कहीं आपका नाम मोहम्मद अहमद तो नहीं है? लेकिन आपने हैंड रेज नहीं किया। चलें जी, काफी सारे क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं, तो आई वुड आंसर देम आफ्टर दैट। आप में से बहुत सारे लोग बिजी होंगे। फोन नंबर्स एक बार फिर आपके सामने, आप इन फोन नंबर्स पर हमसे राबता कर सकते हैं, मेरी टीम से राबता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। बच्चों ने कुछ ने हैंड रेज किए हैं, लेट मी सी के ये कौन है, लेकिन एक मिनट, मुझे सारे स्टूडेंट्स को एक बार स्क्रीन पर लाना पड़ेगा। यस, हैंड रेज किया है इस बच्चे ने, खान साहब ने। खान साहब, मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेज दी, आप कर सकते हैं क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, ये स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है साथ में, वो भी इसी सीएसएस के कोर्स में होगा या? नहीं, दोनों डिफरेंट है। पहले तकरीबन 1.5 मंथ और ऑलमोस्ट 2 मंथ सेम चलेंगी दोनों की क्लासेस, क्योंकि दोनों की मैंने बेसिक राइटिंग स्किल्स पर काम कर रहे होना है, ग्रामर पर काम कर रहे होना है दोनों में। देन जो थर्ड मंथ है वो आप उससे तो हर सूरत सेपरेट हो चुके होंगे, आपके ग्रुप्स भी सेपरेट हो जाएंगे, आपके लेक्चर्स भी सेपरेट हो जाएंगे। और लेक्चर्स की टाइमिंग आगे पीछे कर दूंगा, मतलब तो पहले एक का लेक्चर हो गया, फिर दूसरे का लेक्चर हो गया, फिर आपके लेक्चर्स आपके रास्ते जुदा हो जाएंगे। रीजन, जो आप लोग हैं वो प्योर राइटिंग में चले जाएंगे बेसिक्स और स्पोकन इंग्लिश वाले, और दूसरे जो बच्चे, क्योंकि मैं कंप्लीट पैकेज दे रहा हूँ, स्पोकन प्लस राइटिंग स्किल्स भी दे रहा हूँ, उसके अंदर लैंग्वेज कोर्स का नाम दिया है, अकेला स्पोकन नहीं रखा, अकेला स्पोकन फिर कभी शुरू करेंगे। अभी मेरे पास स्लॉट भी एक ही खाली है, मैं ऑनलाइन क्लासेस में काफी बिजी हूँ, तो एक स्लॉट की खातिर जो है वो आगे चल के मेरी स्लॉट्स फ्री होंगी, तो फिर मैं 2 स्लॉट्स भी कर लूंगा। फिर स्पोकन तीसरी स्लॉट हुई तो फिर अकेला स्पोकन भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और फोर्थ मंथ आप लोग, जी बच्चे। और सर, ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लाइक ये स्पोकन इंग्लिश को, ये भी सीएसएस के लिए कहां तक है? सीएसएस में स्पोकन इंग्लिश जरूरी है, स्पेशली फॉर इंटरव्यू। If you don't have that communication skill, how would you be there to communicate there confidently?
300 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो रहा होना है एंड दे वुड बी जजिंग यू पीपल फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम योर कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप फर्ज करो आप आगे जाके पुलिस में जाना चाह रहे हो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में जाना चाह रहे हो आप फॉरन ऑफिस में जाना चाह रहे हो तो आपको स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर होना जरूरी है और जब तक आप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर नहीं है दे वुड नॉट बी रिकमेंडिंग यू तो दैट इज वाई सीएसएस के बच्चे के लिए भी अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना स्पोकन स्पेशली को भी इम्प्रूव करना ऑल द दैट फॉर इंटरव्यू स्टेज बहुत जरूरी है और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी कुछ क्लास लगाएंगे जी उसमें भी टाइम आता है उसको भी महीना डेढ़ देंगे जरूर इंशाल्लाह जब आपके रिटर्न क्लियर हो चुके होंगे तो वो जो रिटर्न में कर चुके होंगे उनके लिए लगाएंगे इंशाल्लाह ओके एक्नॉलेज सर थैंक यू सर थैंक यू वेलकम खान साहब वेलकम फ्रॉम व्हिच सिटी यू आर आप कहां से खान साहब फ्रॉम उकाड़ा सर जो है मैंने माइक ऑन करने के लिए आपका भेज दिया है आपको यू मे टर्न ऑन योर माइक रुबाब आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को बेटा आई थिंक रुबाब का शायद माइक नहीं काम कर रहा अपने माइक्स वगैरह आपको थोड़ा सा हैंड फ्री अच्छी ले या माइक अच्छा नहीं जैसे मैं बोया का माइक यूज करता हूँ ऑल्दो थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है चलें जी then I would end आपने कोई भी question पूछना हो तो मेरे numbers पर आप पूछ सकते हैं तो I am going to end the meeting thank you very much may Allah bless you all bless me also मेरे लिए भी दुआ करते रहिएगा अल्लाह आपको बहुत सारी जिंदगी में कामयाबी दे और स्पेशल मैं एक दुआ करता होता हूँ आपको इतनी हिम्मत दे के आप उतनी मेहनत कर सके जितनी आपकी कामयाबी के लिए जरूरत है याद रखिएगा इकबाल ने कहा था ना आपको बहुत इकबाल का शेर है अगर याद होगा कि वो तकदीर का शेर था खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है इंग्लिश पढ़ा पढ़ा के उर्दू बहुत वीक कर लिया जी तो बच्चे यहां इकबाल क्या कह रहा है इकबाल कह रहा है कि अपने आप को इतना मेहनत करो इतना बुलंद करो इतना बुलंद करो कि अल्लाह ताला जो है वो आपको पर राजी हो जाए और आपको वो अता कर दें जो आपकी किस्मत में नहीं भी लिखा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है भी क्या चाहता है ये बनना है सीएसपी जाना है ये ले भाई तूने मेहनत इतनी कर ली तो मेहनत से है जी सारा कुछ मेहनत से लैसल इंसान इल्ला मासा इंसान को सिर्फ उतना अता किया गया जितनी उसने मेहनत की जितनी उसने सही की लई सल इंसान इल्ला मासा तो सही इतनी करें कि खुदा आपको अता कर दे कि खुदा पूछे भी इसने इतनी मेहनत कर ली है बेशक इसकी किस्मत ने लिखा वो कहता लिख दो दे दो इसको इसने मांगी बहुत ली इसलिए तो दुआ भी रखी है ना किस्मत में कि दुआओं से बदलती है और दुआओं से साथ साथ बच्चे मेहनत से भी बदलती है ठीक है तो अपनी मेहनत शदीद करें क्योंकि खुदा कहता है कि सही के बगैर मैं नहीं दूंगा लई सल इंसान मासा इल्ला मासा कि उतना ही मिलेगा जितना आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह इसलिए मेरी दुआ होती है कि आप जो चाहते हैं हासिल करना आपको उस चाहत के लिए मेहनत करने की अल्लाह हिम्मत दे और आप उतनी मेहनत कर सकें रुबाब ने फिर हैंड रेज किया है और मैंने रुबाब को दोबारा कह दिया कि आप माइक ऑन करना चाहते हैं तो जल्दी से कर ले अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम बेटा कैसे हैं सर आप अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सर मैं वो खान शायद वो आपने पहले किसी और फोन में कर दिया था जी 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 अच्छा सर वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मैंने मैसेज भी किया था आपको कि मैंने 2021 में अपीयर होना है सीएसएस में ठीक है तो मैं किसी एक और एकेडमी से भी ना क्लास ले ली बाकी सारे सब्जेक्ट्स की आप रुबाब बात कर रहे हो नो मैं मारिया बात कर रही हूं मेरा नाम मारिया है अच्छा रुबाब असल में रुबाब मारिया खान ठीक है मारिया खान रुबाब असल में रजिस्टर्ड है वो रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है अपनी मैंने कहा शायद अब रजिस्टर्ड स्टूडेंट जी जी बोले बोले कोई इशू नहीं बोले
तो सर वो 2021 में मैंने पेयर होना है और डेफिनेटली आपको पता है बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, तो सर जो ये आप कोर्स करवा रहे हैं ये थोड़ा मतलब लेंथी मुझे जो लग रहा है, तो 4 मंथ के 3 मंथ्स का सिलेबस है, 1 मंथ आपकी मॉक टेस्टिंग है, फुल लेंथ पेपर्स होंगे उस पैटर्न पर जो पैटर्न आपका सीएसएस और पीएमएस का आता है, एसएस के 1-2-3 पेपर लिए जाएंगे, 2-3 आपके कंपोजिशन के पेपर होंगे, बकायदा मार्क होंगे ताकि आपको पता लगे आप कहाँ खड़े हैं, आपके पीएमएस के कुछ पेपर्स होंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो एक फुल ड्रेस रिहर्सल दी जा सके। सिलेबस 3 मंथ्स का ही है, तो 3 मंथ्स ज्यादा लग रहे हैं आपको? सर क्योंकि आपको पता है मैं 2021 में पेयर होने और हमारे सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो वो सारा कुछ साथ ले लेके चलना होता है ना। सिर्फ आपकी ग्रामर कैसी है, आपकी ग्रामर कैसी है? सर मुझे मतलब बेसिक्स को तो सारी पता है, वही ना स्ट्रक्चर में और राइटिंग में जो है ना वो स्किल्स नहीं है मेरी अच्छी। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चले आप लेकिन अपनी बात करें पूरी। सर मैं वो भी उस लिहाज से वो फिर मैं कैसे उसको टैकल कर पाऊंगी, और एक दिन में हमें कितनी जो आपका जो स्केड्यूल होगा एक दिन में हमें कितनी 45 मिनट्स पड़ेंगे? 45 मिनट्स आपको रोजाना मैं लेक्चर दूंगा, और तकरीबन आपका रोजाना उसको जहर आपने बाकी सब्जेक्ट भी देखने होते हैं, तो 45 मिनट्स जितना ही काम दूंगा, ऑलमोस्ट 2 घंटे आपको इंग्लिश के चाहिए 45 मिनट मेरा लेक्चर के लिए, और कोई 1 घंटा आपको जो मैंने लेक्चर में आपको काम दिया होगा, आपको एक्टिविटीज दिया करेंगे जी, एक्टिविटी शीट्स मिलेंगी आपको ग्रामर की सारी, हर लेक्चर के साथ में एक्टिविटी शीट्स फॉरवर्ड कर दिया करूंगा, वो आप सॉल्व करेंगे और उसको मैं आपके डिस्कशन की भी आपको उसकी हम किया करेंगे कि ये क्यों थी कैसे मतलब 2 घंटे एक दिन में 2 घंटे इनफ होंगे, 2 इंग्लिश के लिए इनफ होंगे जो मैं आपका सिलेबस करवा रहा हूँ। मेरे पास जो बहुत ज्यादा बच्चे जो राबता कर रहे हैं वो जॉब होल्डर्स भी हैं, तो ताकि उनको जॉब भी अपनी सही तरह से चला सके। यस सर ठीक है सर, बस मेरे यही कंसर्न थे कि ये ना होना कि मुझे सारा टाइम इंग्लिश के लिए ही और मैं नहीं 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 only 2 hours 1 hour for lecture लाइव लेक्चर एंड 1 hour फॉर योर टेस्ट एक्टिविटी दैट वुड बी गिवन टू यू आफ्टर एवरी लेक्चर। ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। आप किस सिटी से हो? सर मैं हवेली से हूँ, आपकी स्टूडेंट हूँ पंजाब का लिखा। आप भी हवेली लखा से हो, ठीक हो गया, दैट्स गुड। मारिया लोधी यस ओके ओके, आई कैन रिमेम्बर यू। थैंक यू वेलकम। चलें जी एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।